नमस्कार, हेल्दी किचन नवाजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ मसाला लेमन टी। ये चाय जितनी टेस्टी होती है उतनी हेल्दी भी होती है। तो चलिए देखते हैं मसाला लेमन टी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के आसपास चाय की पत्ती ली है, 6 से 7 काली मिर्च है खड़ी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और 1 टीस्पून लेमन का जूस है, इसको मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस पे इस कप से 2 कप पानी मेज़र करके डाला हुआ है। तो सबसे पहले पानी में बॉयल आने देंगे, फिर इसमें हम अदरक और काली मिर्च सबसे पहले डाल देंगे। और इसे 3 से 4 मिनट 2 से 3 मिनट तक हमें बॉईल करना है अच्छे से, ऐसे हमें उबलने देना है कुछ समय के लिए। कुछ समय उबलने के बाद फिर हम इसमें चाय पत्ती डालेंगे। तो इसे 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से उबाल लेना है। पहले 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा थोड़ा सा उबल चुका है। अब इसमें हम चाय की पत्ती डाल देंगे, इसे भी थोड़ा समय हमें उबाल लेना है। लेमन टी में चाय की पत्ती बहुत कम यूज़ की जाती है, इससे ये अच्छा टेस्ट अच्छा आता है लेमन टी का। तो इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चाय है। जैसे कुछ समय के लिए हमें उबालना है पहले अच्छे से। इसे भी मैंने कुछ समय के लिए उबाल लिया है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लगभग 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, और इसे भी कुछ समय के लिए उबाल लेना है, पका लेना है तब तक हमारी चीनी थोड़ी घुल ना जाए। दो से तीन मिनट हो गए हैं, ये भी अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे 1 सेकंड के लिए हमें थोड़ा सा ये कर लेना है, ताकि हमारे नींबू अच्छे से चाय में मिक्स हो जाए। ये उबल चुका है, अब हम गैस ऑफ करके आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ की हमारी चाय पककर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे कप में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, हमारा मसाला लेमन टी तैयार है, इसे आप पीजिए। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है, इसे आप पीजिए, अपनों को भी पिलाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। नमस्कार।